नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एंटरटेन फॉर यू के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो है 16 की 10 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म के बारे में। तो वीडियो पूरा देखें क्योंकि आगे आपको बहुत सी जानकारियाँ मिलेगी। और मैंने जो है 14 और 15 की भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में वीडियो बनाया है, तो आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 2016 की 10 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में। 10वीं जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, उस फिल्म का नाम है आशिक आवारा। इस फिल्म में नजर आए थे दिनेश लाल यादव जो हुआ आम्रपाली दुबे, और इस फिल्म के निर्देशक थे सतीश जैन। वही सतीश जैन की यह तीसरी फिल्म थी जो उन्होंने निरहुआ जी के साथ बनाया था। इससे पहले सतीश जैन ने निरहुआ हिंदुस्तानी और निरहुआ रिक्शा वाला तू जैसी फिल्म निरहुआ जी के साथ बना चुके थे, और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। अब बात करते हैं 9वें नंबर की फिल्म के बारे में। तो जो 9वें नंबर की फिल्म है, उस फिल्म का नाम है भोजपुरिया राजा। इस फिल्म में नजर आए थे पवन सिंह, काजल राघवानी, और इस फिल्म के निर्देशक थे सुजीत कुमार सिंह। और यह फिल्म लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, साथ ही साथ यह फिल्म सुजीत कुमार सिंह की पवन सिंह के साथ पहली फिल्म थी जो उन्होंने एज ए डायरेक्टर के रूप में बनाया था। और इस फिल्म के गाने ने उस समय धूम मचा कर रख दिया था, और इस फिल्म के गाने 2016 की सबसे सुपरहिट गानों में से शामिल थे। अब बात करते हैं 8वीं नंबर की फिल्म की। तो 8वीं नंबर की जो फिल्म है, उस फिल्म का नाम है राम लखन। इस फिल्म में नजर आए थे निरहुआ, परवेश लाल यादव, आम्रपाली दुबे, सुबी शर्मा, और इस फिल्म के भी निर्देशक थे सतीश जैन। और यह फिल्म निरहुआ जी की होम प्रोडक्शन की फिल्म थी, और इस फिल्म में उनके भाई परवेश लाल भी नजर आए थे जो कि उनके रियल भाई है। और यह फिल्म भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। अब बात करते हैं 7वें नंबर की फिल्म की। तो जो 7वें नंबर की फिल्म है, उस फिल्म का नाम है निरहुआ चल ससुराल तू। इस फिल्म में भी नजर आए थे दिनेश लाल यादव, निरहुआ आम्रपाली दुबे, और इस फिल्म के निर्देशक थे प्रेमांशु सिंह। यह फिल्म सबसे पहले बिहार और झारखंड में रिलीज हुई थी, उसके बाद पूरे ऑल ओवर इंडिया में लोगों ने इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया, और यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। तो 2016 की जो 36 नंबर की फिल्म है, उस फिल्म का नाम है होगी प्यार की जीत। इस फिल्म में नजर आए थे खेसारी लाल यादव, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था इश्तियार शेख ने, और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अब बात करते हैं 5वें नंबर की फिल्म की। तो जो 5वें नंबर की फिल्म है, उस फिल्म का नाम है खिलाड़ी। इस फिल्म में नजर आए थे खेसारी लाल यादव, मधु शर्मा। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था अभय सिन्हा ने, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था असलम शेख ने। यह फिल्म काफ़ी शानदार फिल्म थी, और इस फिल्म के गाने भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिल्म की तो 4थे नंबर की जो फिल्म थी, उस फिल्म का नाम था दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से। इस फिल्म में नजर आए थे प्रदीप पांडे, चिंतू और तनुश्री, और इस फिल्म के डायरेक्टर थे उनके पिता राजकुमार आर पांडे। इस फिल्म की स्टोरी भी उन्होंने ही लिखी थी, और यह फिल्म 2016 की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित थी। और इस फिल्म ने ही प्रदीप पांडे चिंतू को स्टार से सुपरस्टार बना दिया, चॉकलेटी स्टार से एक्शन हीरो बना दिया, और यह फिल्म लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर साबित हुई, और प्रदीप पांडे चिंतू के करियर की भी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। लोगों ने इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। अब बात करते हैं 3रे नंबर की फिल्म की। तो जो 3रे नंबर की फिल्म है, वह फिल्म एक बार फिर से निरहुआ जी की है। उस फिल्म का नाम है मोकामा 0 किलोमीटर। इस फिल्म में नजर आए थे निरहुआ, आम्रपाली दुबे, अंजना सिंह, सुशील कुमार सिंह, अयाज खान, मनोज टाइगर जैसे बेहतरीन कलाकार। यह फिल्म काफ़ी बड़ी बजट की फिल्म थी, लोगों ने इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। इस फिल्म के डायरेक्टर थे संतोष मिश्रा, और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। अब बात करते हैं 2रे नंबर की फिल्म की। तो जो 2रे नंबर की फिल्म है, उस फिल्म का नाम है गदर। इस फिल्म में नजर आए थे पावर स्टार पवन सिंह, और यह फिल्म लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। इस फिल्म को 150 सिनेमा हॉल के साथ रिलीज किया गया था, और यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अब बात करते हैं 2016 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म के बारे में। तो 2016 की जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, उस फिल्म का नाम है बम बम बोल रहा है काशी। इस फिल्म में नजर आए थे निरहुआ,
आम्रपाली दुबे। और इस फिल्म की खास बात यह थी कि इस फिल्म को प्रियंका चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म को 200 सिनेमा हॉल के साथ ऑल ओवर इंडिया में रिलीज किया गया। लोगों ने इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। इस फिल्म को 200 सिनेमा हॉल पे रिलीज करने के कारण यह फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। साथ ही साथ इस फिल्म ने 2016 में सबसे ज़्यादा कमाई का रिकॉर्ड अपने नाम किया। और इस फिल्म ने अपने रिलीज के महज 4 से 5 दिन में ही अपना बजट को कवर कर लिया था और यह फिल्म भी एक बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसी के साथ 2016 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म में 5 फिल्म निरहुआ के नाम है, 2 फिल्म खेसारी के नाम है, 2 फिल्म पवन सिंह के नाम है और 1 फिल्म चिंटू के नाम है। दोस्तों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।